वही बात करें अगली खबर की तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने आज मां बम्लेश्वरी का दर्शन कर लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत की। डोंगरगढ़ पहुंचे पूर्व सीएम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पूर्व सीएम बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए काम किया है, अब इस दमदार आवाज को लोकसभा में भी गूंजना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद जैसे जैसे समय बीत रहा है जनता के हाथ में निराश ही लग रही है। जनता को दिखाए सपने पूरे नहीं हुए और पहले से चल रही योजनाओं को एक एक कर बंद कर दिया जा रहा है। डोंगरगढ़ से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये जो लड़ाई है वो छत्तीसगढ़ के अस्मिता की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ की आवाज लोकसभा में पहुंचे, राजनांदगांव की आवाज लोकसभा में पहुंचे, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के गरीब, यहाँ के व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, सबकी आवाज़ वहाँ पहुँचनी चाहिए। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के मुद्दे को वहाँ वो स्वर नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था। अब आवश्यकता इस प्रकार से 5 साल हमने छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए जो काम किया और उसके कारण से छत्तीसगढ़ का नाम देश और दुनिया में जाना जाता है, तो उसी प्रकार से अब ये आवाज़ दमदार आवाज़ लोकसभा में गूंजनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा में क्या अंतर लगता है आपको? अभी जो परिणाम आया विधानसभा में क्या लगता है आपको, क्या लोकसभा में आपके पक्ष में परिणाम? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव होने के बाद जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है यहाँ की जनता को निराशा ही हाथ मिली है और उनकी निराशा और बढ़ते जा रही है।